स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं हार्डेड नाम की एक बहुत ही अच्छी सी फिल्म को, जिसके लिए मुझे किसी ने कमेंट किया था और यप मैंने देखी इसको और ये अच्छी है। हाँ तो यार देखो, वीडियो शुरू करने से पहले आज मुझे कुछ बोलना ये कि वीडियो को ना लाइक कर देना। देखो मैं बोलता नहीं हूँ कभी, ना तो मैंने कभी सब्सक्राइब करने के लिए बोला ना ही लाइक करने के लिए बोला, ठीक है। 3-4 बार मैंने पहले बोला होगा समथिंग, मेरे को नहीं याद। वीडियो के एंड में मैं बोलता हूँ ऐसे ही, वो तो रैंडम होता है क्योंकि वो तो कोई पहुँचता भी नहीं होगा वहाँ तक जहाँ तक मेरी वीडियो जाती है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना बिकॉज वीडियोस आगे नहीं जा रही है, अगर ना बोलो तो कोई करता नहीं है और वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि दिन में 3 से 4 वीडियो अपलोड करना ना, 2-2, 3-3, 4-4, कोई छोटा वो नहीं है भाई, समझ रहे हो ना तुम लोग। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना ताकि ना थोड़ी वीडियो आगे चली जाए करे। कमेंट वमेंट भी कर दिया करो, कुछ भी कर दिया करो ताकि वीडियो की ना रीच बढ़ सके थोड़ी और अनचाहे लोगों के पास, मतलब कि कुछ न्यू लोगों के पास पहुँच जाए, वरना वीडियो आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर धीरे धीरे वीडियो की रीच डाउन हो तो शायद इस पर मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा चैनल के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है ली सोंग यू से, जो कि एक बैंक मैनेजर होता है और एक फादर है, और इसके 2 बच्चे होते हैं जो रोज इसको सुबह सुबह प्रैंक करके उठा दिया करते हैं। और आज ना इसका एक बुसान प्रोजेक्ट पर मीटिंग होने वाली होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसके अंदर पैसे लगाने के लिए आने वाले हैं, यानी कि बुसान मीटिंग के अंदर, क्योंकि वहाँ कोई प्रोजेक्ट बन रहा होता है। ये ली मीजिन होता है इसका बेटा, और ये ली हाइजिन होती है इसकी बेटी। दोनों को स्कूल को ड्रॉप करना इसी का काम होता है, रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले ये इनको ड्रॉप करता है, क्योंकि ये फैमिली के साथ साथ काम को भी बहुत अच्छे से संभाल लिया करता है। सब कुछ रोज जैसा ही चल रहा होता है तभी कार में आगे बढ़ते हुए इसको एक फ़ोन मिलता है जिस पर एक कॉल आती है, और इधर से कोई आदमी इसको धमकी देकर बोल रहा होता है कि देखो भाई मार दूंगा मैं तुम्हें। अब इसको लगता है कि प्रैंक कर रहा है कोई, तो इसके फ़ोन को ना रख देता है। बट उसके ऊपर इसकी फैमिली पिकनिक की फोटो लगी होती है, जो कि काफ़ी अजीब बात होती है क्योंकि फ़ोन तो इसका होता नहीं है ना ये, तो ये थोड़ा सीरियस हो गया होता है और ध्यान हट जाता है इसका रोड से। और जैसे तैसे करके एक आदमी जो ठोकते ठोकते बसता है, फिर ये रिफिल करवाने के लिए पहुंचता है फ्यूल, और फिर से इसका फ़ोन बजने लग जाता है। कॉलर कहता है कि तुम्हारे कार में सीट के नीचे बम रखा हुआ है, अगर तुम लोग कार से बाहर उतरे तो बम फट जाएगा और तीनों मारे जाओगे। अब ये बात सुनकर ये तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और ना तो कार को आगे बढ़ा रहा होता है और ना ही उतर रहा होता है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो पीछे लंबी सी लाइन लग जाती है, एक आदमी गुस्से में आकर इससे बहस भी करने लगता है, जिसको ये पैसे देता है फ्यूल भरवाने के लिए अपने, और शांत करता है उसको। अब इसका बेटा इतने में बाहर बच्चे देखकर चिल्लाने लग जाता है और मामला होने लगता है ख़राब। और हम जान पाते हैं कि जो ये आदमी है ना, जो कि इसको कॉल करके धमकी दे रहा है, उसका नाम जिंग्यू होता है, ठीक है। जिंग्यू ने सोंग्यू से $2,600,000 की डिमांड कर रहा था, बिल्कुल एक ऐसा फिगर है जो कि रैंडम है, ना कि राउंड फिगर है ये। अब जिसमें से ना कुछ पैसे कैश चाहिए होते हैं इसको और कुछ पैसे बैंक में ट्रांसफ़र चाहिए होते हैं, जो कि काफ़ी अजीब बात होती है। सोंग्यू बच्चों को जल्दी से स्कूल के बाहर पहुंचाता है, पर स्कूल नहीं जाने देता, मना करता है कि मत जाओ क्योंकि सीट के नीचे बम रखा होता है, उठने पर फट जाएगा। कॉल पर जिंगू कहता है कि अपने बच्चों को बम के बारे में तुम बता क्यों नहीं देते हो। पर तभी इसके कलीग की कॉल आ जाती है, जो कि मीटिंग स्किप करने की बात कर रहा था, परमिशन मांग रहा होता है कि मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। और फिर हम जान पाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, एक्चुअल में उसके साथ भी सेम सिचुएशन है, उसकी कार में भी बम रखा हुआ है। जिंगू समझ जाता है और उसकी लोकेशन मांगकर उसके पास पहुंचता है। दोनों कार साइड में लगाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसका दोस्त होता है ना, वो अपनी पैनिक वाइफ को समझा रहा होता है कि प्लीज बहन बाहर मत जा, मर जाएंगे हम। जिंगू अपनी कार पार करने के लिए थोड़ा सा पीछे होता है, और तभी उसकी बदतमीज वाइफ कार से बाहर निकलती है और कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें दोनों मारे जाते हैं। इस हादसे में सोंग्यू के बेटे के पैर में चोट आ जाती है और इसकी बहन हो जाती है परेशान, इसके पैर में से ब्लड को रोकने की कोशिश करती है। सोंग्यू जिंग्यू से हॉस्पिटल जाने की परमिशन मांग रहा होता है, प्लीज जाने दो, पर जिंग्यू पैसे मांगता है कि पहले पैसे दो फिर जाने दूंगा, कुछ मिलियन कैश में और कुछ बैंक अकाउंट में, जैसे कि मैंने बताया था। सोंग्यू कहता है कि बहुत है ये पैसे, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, पर जिंग्यू जानता है कि ये तो कहीं ना कहीं से कर ही लेगा, ये तो होंगे इसके पास। अब ये सोच में होता है कि करूँ तो करूँ क्या, तब ना ये कॉल करता है अपने सभी इन्वेस्टर्स को और बताता है कि देखो बुसान प्रोजेक्ट में बना दूंगा, सभी इन्वेस्टर्स को बोल दो ना कि वो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दे, उनका काम हो जाएगा, मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं प्रोजेक्ट को जल्दी से शुरू करवा सकूं। कंपनी मान जाती है इसकी बात को, ठीक है। और यहाँ पुलिस जो होती है ना, वो बम ब्लास्ट की छानबीन करने में लगी होती है, जिसके अंदर की देखा जाता है कि यहाँ पर एक कार है जो कि सोंग्यू की होती है पीछे हट रही है। वहाँ पर सोंग्यू यहाँ पर कहता है कि ओके पैसे तो आ गए हैं, पर मुझे कार से बाहर जाने दोगे तभी तो मैं बैंक से निकाल कर लाकर तुमको दे पाऊंगा। जिंग्यू बहुत तेज होता है, उसको कहता है कि अपनी वाइफ को बुलाओ। सोंग्यू अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है और वो इसे भी अपने साथ ही बुला लेता है। पर यहाँ बैंक के बाहर जब ये आता है तो यहाँ इसकी बहन मिल जाती है इसको, जो कि भाई साहब कार के अंदर आने के मूड में होती है, गेट खोलने के मूड में होती है, तो इसको यहाँ से भी भागना पड़ता है अपने दोनों बच्चों को लेकर। अब यहाँ पर अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि देखो जल्दी से बैग के अंदर इतने पैसे लेकर इस जगह पर पहुँच जाओ। जिंग्यू को बताई हुई लोकेशन पर ये खुद भी जब आता है ना, तो यहाँ पर देखता है कि इसकी वाइफ ना पैसे वैसे कुछ नहीं लेकर आई होती, उल्टा पुलिस लेकर आ गई होती है उस जगह पर, बस फिर गया था। पुलिस ने एक लड़के को पकड़ लिया होता है
और ये जिंगयू तो नहीं होता, उसी का कोई आदमी होता है। और इस बात से जिंगयू गुस्सा होकर साइड में शॉप के अंदर बम ब्लास्ट कर देता है। इसकी वाइफ की जान तो बच जाती है और धमकी देता है कि मुझसे पंगे मत लो, इतना बुरा किया तुम लोगों ने मेरे साथ, धोखा दोगे। पुलिस फिर इस लोकेशन की छानबीन करने लग जाती है और सीसीटीवी चेक करती है तो यहाँ भी सोंगयू की कार मिलती है। तो शक होता है कि जहां जहां ब्लास्ट होता है वहां वहां सोंगयू पाया जाता है। और सोंगयू के लिए खुशी की बात यह होती है कि सभी इन्वेस्टर्स के पैसे आ गए होते हैं, रेडी हो गए देने के लिए इसके अकाउंट में, पर अभी भी जितने चाहिए ना उतने नहीं होते हैं। और अपने घायल बेटे को हॉस्पिटल भी लेकर जाने की जल्दी हो रही होती है इसको, तभी बाहर पुलिस आकर इसकी कार को रुकवा देती है। पर ये नहीं रुकेगा भाई, ये सब इतनी तेजी में भागता है यहाँ से, हेलीकॉप्टर लेकर इसके पीछे पड़ जाते हैं पुलिस वाले जीटीए की तरह भाई साहब। बस फिर क्या था, पकड़ा जाता है और सब कुछ बता देता है, एरिया को घेर दिया जाता है अच्छे तरीके से और जल्दी साउथ कोरियन बम स्क्वाड को बुलाया जाता है। यहीं पर बान नाम की एक ऑफिसर भी आई होती है जो कि सेफ्टी सूट पहनकर उसके पास जाती है उसकी कार में और उसको कुछ खाने का पीने का सामान देती है और एक डिवाइस देती है ओगी टोगी, जिससे ही उस बॉम्बर की बात को ना पुलिस तक पहुंचा पाएगा। अब ये लोग वेट करने लग जाते हैं कि बॉम्बर कॉल करता ही होगा, पर वो इस बार कॉल नहीं करता है, वो इस बार मैसेज करता है और कहता है ना कि जो डिवाइस है ना उसको फेंक दे वरना बताऊंगा तेरे को। और सोंगयू समझ गया होता है कि जिंगयू इस पे हमेशा नजर रखता है, उसको सब कुछ पता है कि ये क्या क्या कर रहा है, तो ये डिवाइस को तोड़ देता है। बहन गुस्सा हो जाती है और जाकर कार को खोल देती है। जब पता चलता है ना कि बस आगे वाली सीट पर बम रखा हुआ है ना कि पीछे वाली पर, तो बच्चों को जल्दी निकाला जाता है, लड़के को हॉस्पिटल भेज देते हैं इसके, और लड़की अभी तक कुर्सी में बैठी होती है, बाहर नहीं जाना चाहती, वो आकर आगे वाली सीट पर बैठ जाती है और हिलने की वजह से ना बम हो जाता है एक्टिवेट। तभी देखते हैं बिल्डिंग से पुलिस ऑफिसर इसके ऊपर स्नाइपर लगाकर खड़े होते हैं जैसे ये कोई क्रिमिनल है। बान उन्हें ऐसा करने से रोकते कि उनके ऊपर क्यों तुम ये लगाकर खड़े हो। और यहाँ सोंगयू अपनी बेटी से इमोशनल बातें कर रहा होता है, ये अपनी जो इनके बीच बनती नहीं थी ना उन सबको क्लियर कर रहे होते हैं, दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। वहीं बाहर एक लड़का आ गया होता है जो खुद को सोंगयू का छोटा भाई बताता है और हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। ये एक्चुअल में वही होता है जिंगयू जो कि बॉम्बर है, और सोंगयू के पास जाकर बताता है ना कि मैंने बम बस पैसे मांगने के लिए नहीं लगाया, मैंने बदला लेने के लिए लगाया, तुमसे रिवेंज लेना चाहता हूँ मैं, पीछे जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया था। पर सोंगयू कहता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। जिनहू इसे मर्डरर कह के बुला रहा होता कि खूनी है तू, और इसकी बेटी को निकाल कर कहता है कि जल्दी से पैसे भेज दे अकाउंट में वरना तेरी बेटी को मैं मार दूंगा, और इसको यहाँ से लेकर भाग जाता है। और उससे पहले इसको एक दूसरा बम दिखा कर जाता है, बताता है कि पहला बम फटेगा फिर जब आएंगे ना सब थोड़ी देर बाद तो दूसरा फटेगा, तो सोच कितने लोग मरेंगे, और अगर इस बम के बारे में तुमने किसी को भी बताया पुलिस वालों को तो मैं तुम्हारे पिताजी को भी मार दूंगा। और इसकी बेटी को लेकर तो चला ही गया था, तो बस सोंगयू के पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो भाग जाता है यहाँ से गाड़ी लेकर और अपने बॉस से कहता है कि जल्दी से पैसे उस बॉम्बर के अकाउंट में डाल दो, मेरी बेटी को किडनैप करके ले गया। वो बॉस मना कर देता है मैं नहीं डालूंगा, तो अपनी एक्स वाइफ को कॉल करके हेल्प के लिए कहता है, और पुलिस भी इसके पीछे पड़ी होती है। सोंगयू जल्दी से जिंगयू को कॉल करके एक केमिकल की फैक्ट्री में मिलने के लिए बुलाता है और पुलिस से बच बचा कर वहाँ पे भागने लग जाता है, पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है। रास्ते में जाते हुए इसको एक 6 साल पुरानी बात याद आती है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये किसी बैंक में काम किया करता था, ऐसे नॉर्मल एम्प्लॉय था, और अपने साथियों के साथ ना मिलकर पहले उसने धोखाधड़ी की वहां पर, और जितने भी इनके क्लाइंट और कस्टमर्स हुआ करते थे ना बैंक के, उन सभी के पैसों को इन लोगों ने लेकर डुबा नहीं दिया एक्चुअल में, वो पैसों को खा गए। यही समझ लो कि नॉर्मल लोगों का हम जैसे पैसा लेकर बैंक वाले खा गए, और इसी वजह से इसका हो गया था प्रमोशन, फिर ये बन गया मैनेजर। ठीक है, लोगों का पैसा खाओ और मैनेजर बन जाओ। अब यहीं पर ना हाइजिन नाम की एक लड़की भी थी जो कि फैक्ट्री में काम किया करती थी, और ये ना सोंगयू से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे पैसे कहाँ गए क्या हुआ, मतलब इसे बात करना चाहती है पर वो सुनता तक नहीं है इसकी, और कहती तुमने मेरे पैसे डुबा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, और यहां से भाग जाता है। और अब ना उसी फैक्ट्री में ये आ गया होता है जिस फैक्ट्री में वो लड़की काम किया करती थी और जिस फैक्ट्री के पैसे इन लोगों ने खाए थे। अब यहाँ पर देखता है कि फैक्ट्री के बाहर बहुत सारे बोर्ड्स लगे होते हैं, बैनर जिनके ऊपर गलत गलत बातें लिखी हुई कि इन्वेस्टमेंट में फ्रॉड किया, इन लोगों ने पैसे खा गए, ऐसी ऐसी चीजें। और यहीं पर इसकी बेटी मिलती है जिन्हों भी यहीं पर होता है, और हमें पता चलता है कि वो भी इसी फैक्ट्री में काम किया करता था पहले। फैक्ट्री एम्प्लॉय ने बहुत ट्राई किया था केस के लिए पर कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए कहता है कि मैं तुमसे पैसे ले रहा हूं ताकि मैं उन लोगों को चुका पाऊं। अब इसीलिए इसने फिक्स अमाउंट नहीं मांगा था, कुछ अमाउंट मांगा था जितना इन लोगों ने खाया होगा उस टाइम, क्योंकि कई लोगों का ना जो पैसा डूबा था ना तो उन लोगों ने अपनी जान भी दे दी थी, और जो हाइजिन थी ना वो जिंगयू को वाइफ थी और वो प्रेग्नेंट भी थी और उसने प्रेगनेंसी में अपनी जान दे दी थी। इसके बाद तो जिंगयू को बहुत ज्यादा बुरा लगा था और उसी टाइम से इसने रेवेंज लेने का सोचा था, वो ये सब कर रहा हो। सोंगयू इससे माफी मांगता है पर जिंगयू कहता है कि तेरे पास बस एक ही तरीका अपनी बेटी को बचाने का, ठीक है तू कार को पानी में कूदा दे मेरे साथ, ये भी बैठ जाता है, दोनों पानी में कूद जाते हैं और यहाँ पर इसकी सजा कंप्लीट हो जाएगी जब दोनों अंदर मर जाएंगे। पर सोंगयू कूदता तो है और पुलिस भी बाहर आ गई होती है, पर क्या होता है कि जो जिंगयू था ना वो बेहोश हो जाता है, पानी के अंदर जाती है, और ये बेहोश नहीं होता, ये खोल कर बाहर निकल जाता है जिसकी वजह से इसकी जान बच जाती है और इसकी बेटी भी बच गई, और कार में हो जाता है ब्लास्ट पानी के अंदर जिससे जिंगयू अंदर ही मर जाता है।
और फिर कोर्ट में आता ये सोंग यू और अपने जो गुनाह थे ना उसको कबूल करता कि हाँ हम लोगों ने नॉर्मल लोग जो होते हैं फैक्ट्री के एम्प्लॉयज और उन सबको पैसा खाया था, उन लोगों को धोखा दिया था। और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, बिकॉज कर दो यार। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।